आज हमारा मनाली में दूसरा दिन है। आज हम रोहतांग पास जाने वाले हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये और जनरली यहाँ पे बर्फ होती है। तो इस थोड़ी सी मस्ती के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का व्लॉग। तो अभी मैंने स्वेटर पहन ली है, लेकिन इस स्वेटर का मुझे ऊपर रोहतांग पास में कुछ यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है बर्फ की वजह से। इसके लिए हमें ना जंपसूट या फिर डंगरी बोल लो और गम बूट हमें रेंट पे लेना पड़ता है, और वो हमें पहन के ऊपर जाना होता है बर्फ में। अदरवाइज हम बेयर नहीं कर सकते वहां की ठंड। तो यहाँ पे रोहतांग पास के नीचे ही ऐसे लाइन में सब शॉप रहते हैं, वहां से आप रेंट पे ले सकते हैं। और ये मेरी डंगरी है, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा तो मैं एकदम खुश हो गई और मैं कर रही हूँ हैप्पी डांस। बाय द वे 250 रुपीज का रेंट रहता है इस डंगरी का, गम बूट और डंगरी मिला के। अभी हम जा रहे हैं रोहतांग पास। इसका परमिट मिलना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, तो हमारे रेगुलर ड्राइवर्स जो थे ना ट्रिप के, उनके पास तो परमिट नहीं था। तो हमने दूसरे ड्राइवर वहां पे देखे जिनके पास ये परमिट होगा, और अभी वो हमें लेके जा रहे हैं रोहतांग पास के अंदर। और अभी रोहतांग पास में 0 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत सुंदर प्लेस है। एक जगह पे हम लोग बीच में रुक गए क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल सीनरी लगी हमें, तो फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए हम लोग सब लोग वहां पे रुके थे। ऊपर बर्फ में भी हमने काफ़ी मस्ती की है। तो आप जुड़े रहे, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और बहुत सुंदर सुंदर सीनरी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। फिलहाल तो आपको सुंदर सुंदर लोग दिख रहे हैं। ये हम सब लोग हैं यहाँ पे, हम ग्रुप फोटो खींच रहे थे। और अभी हम फिर से जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं रोहतांग पास जाने के लिए, और हमें अब बर्फ हमारे एकदम पास पास आती हुई दिखाई दे रही थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। वैसे ये प्लेस आपको जानी पहचानी लग रही है देख के, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है? जब भी मेट का ये इश्क है, वो सॉन्ग का शूटिंग यहाँ पे हुआ था। अब मैं कोई म्यूजिक चला देती हूँ, आप एंजॉय करें इस ब्यूटीफुल सीनरी को। अब हम रोहतांग पास पहुंच गए हैं। कुछ टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम और ऊपर जाने वाले हैं 0 डिग्री पे। तो हमारा लग अच्छा था कि हम जिस दिन गए उसके एक दिन पहले वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, इसके लिए बर्फ काफी क्लीन मिली हमें। गुरु से हाय, गुरु से हाय, हाय बबली ताई। ठंडी बदल का म्हणना है यहाँ पे, यहाँ की ठंड के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ बहुत मजेदार है, बहुत मस्त लग रहा है। मैंने तो ग्लव्स भी नहीं पहने, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो बनाने के लिए मैंने ग्लव्स नहीं पहने, देखो आप निकाल सकते हैं आराम से। हाँ ग्लव्स निकाल सकते हैं आप, कान टोपी निकाल सकते हैं, और फिर भी आप बर्फ का मजा ले सकते हैं, काफी मस्त है ये। मैंने तो फर्स्ट टाइम बर्फ देखी है रियल में, मैंने तो सिर्फ फ्रिज में और गोले वाले के पास देखी थी। हमारे गोले वाले ले लो, ले लो गोला ले लो, सफेद वाला गोला है, कलर नहीं है हमारे पास। हाँ नेचुरल फ्लेवर खाली सब है, नेचुरल है, नेचुरल है। 10 रुपए 5 रुपए 10 रुपए 5 रुपए मैं ले लेती हूँ भैया, ये फुकट में है। हाँ ये फुकट में, इसको पैसा नहीं लगेगा। तो अभी ये बाइक लेके हम 0 डिग्री पे आ गए हैं, और ये बाइक तो वैसे ड्राइवर नहीं चलाई, हम तो ऐसे ही फोटो के लिए पोज मार रहे हैं। तो ये बाइक काफ़ी स्ट्रांग होती है, 10 लाख रुपीज की ये बाइक है। और ऊपर हमने ये एक्टिविटी की, कुछ नहीं, टायर में बैठ के स्लाइड होना होता है नीचे, एकदम आसान है, तो हमने ये किया था। तो अभी गुरु टायर में से स्लाइड होके नीचे आ रहा है, उसके साथ वो शूट भी कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट क्लिप हम देखेंगे जो गुरु ने शूट की है, ये वाली क्लिप टायर से नीचे आते हुए उसने शूट की थी। और हमें वहाँ पे बोला गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो आप ज़्यादा मस्ती ना करें, एकदम आराम आराम से चले, खुद का ध्यान रखें। प्रीतम दादा ने उनके बेटे प्रत्युष के लिए सबके हेल्प से ये छोटा सा स्नोमैन बनाया है। प्रत्युष का ड्रीम था कि एक दिन वो बर्फ़ में जाएगा और स्नोमैन के साथ खेलेगा, इसके लिए उन्होंने ये बनाया। वहीं पर बिस्लरी के बॉटल वगैरह पड़े हुए थे, उससे क्यूट सा स्नोमैन बनाया। उसके बाद हम लोग ने वहीं पर
हमारी फेवरेट चीज खाई मैगी, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत बढ़िया लगती है मैगी। तो अभी हमारा फोटोज वगैरह क्लिक करके हो गया है, अभी हम नीचे जा रहे हैं वापस। तो जिस बाइक से हम ऊपर आए थे ना, उसी बाइक से अभी हम नीचे जा रहे हैं। रास्ते एकदम डेंजरस थे, लेकिन वो ड्राइवर एक्सपर्ट था तो उसने सेफली हमें नीचे तक पहुंचाया। इसके आगे की जर्नी हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आई होप आपने ये व्लॉग एंड तक देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गुरु पूर्णिमा वर्ल्ड। नेक्स्ट वीक में मनाली का एक और व्लॉग आपके लिए लेके आऊंगी, तो जुड़े रहे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून, बाय बाय।